जन्मदिवस के उपलक्ष्य में ओम प्रकाश उर्फ मुन्ना यादव ने रसगुल्ला वितरण का आयोजन किया। साथ ही देवेंद्र फडणवीस के सुखी जीवन और राजनीति में उनकी आगे की यात्रा सुरक्षित और शुभ रहे, इसलिए उन्हें शुभकामनाएं भी दी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, अभी के उप मुख्यमंत्री सम्माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने यहाँ पर मिठाई का वाटप रखा है, क्योंकि इस महाराष्ट्र का श्रेष्ठ व्यक्ति महत्व जिसने ये सिद्ध किया कि नेताओं में उनसे श्रेष्ठ, उनके ज्येष्ठता तो बड़ी नहीं है पर उनकी श्रेष्ठता इस महाराष्ट्र ने देखी है, ऐसे एक व्यक्ति का आज यहाँ जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं, जो कि उन्होंने किसी प्रकार की पेपर एड, किसी प्रकार के बैनर लगाने से साफ मना किया है कि पेपर एड और बैनर और बहुत मेरे जन्मदिन का हु हल्ला नहीं होना चाहिए। मेरे जन्मदिन मनाने में मेरे को बहुत इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं के आग्रह से हम लोगों ने यहाँ पे एक मिठाई वाटप का कार्यक्रम रखा है। और अभी थोड़ा देर पहले तिलंखेड़ी मंदिर में सुंदरकांड का एक कार्यक्रम हुआ है, वहाँ से मैं यहाँ आके ये कार्यक्रम को शुरुआत किया है। महाराष्ट्र का सर्वश्रेष्ठ नेता देवेंद्र जी हैं, उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत लाख लाख शुभेच्छा यहाँ से हम लोग आज उनको देना चाहते हैं। और इस मतदार संघ के आमदार होने के नाते और ज़्यादा इस यहाँ के जो मतदार संघ में और ज़्यादा उनको जनता को उत्साह है उनके जन्मदिन के प्रति, तो सब लोग आज जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ पे आने वाले हैं। अभी तो आज कम से कम मेरे ख्याल से 30,000 लोगों को चश्मा वाटप होने वाला है उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में। उसी प्रकार से कम 15,000 लोगों का ऑपरेशन, आग का ऑपरेशन भी जन्मदिन के माध्यम से उन्होंने करना निश्चित किया है, और वो भी अभी ऑपरेशन शुरू हो गए हैं। यहाँ पे डॉक्टर चंद्रशेखर, जो डॉक्टर बावनकुड़े का हॉस्पिटल है, वहाँ पर अभी ऑपरेशन शुरू हुआ है। हर एक जगह पे, हर एक एरिया के हिसाब से ऑपरेशन शुरू हुए हैं। ऐसे 15,000 से 16,000 ऑपरेशन होने वाले हैं, और 30,000 लोगों को चश्मा भी देवेंद्र जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में देना निश्चित हुआ है इस मंडल के माध्यम से। उसी प्रकार हम लोग भी यहाँ पर एक जन्मदिन देते हैं, फिर से उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभेच्छा।